जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम करण शर्मा है और आज मैं वीडियो किसी हॉलीवुड मूवी या कोई वाइंस नहीं बना रहा हूँ। आज मैं अपने व्यूज़ आपके सामने रखूँगा इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारे इंडिया में वॉर जैसे माहौल हो रहे हैं। सब कह रहे हैं पाकिस्तान से बदला लो, बट दोनों देश का यही कहना है कि हमारी मेन प्रॉब्लम आतंकवाद है। तो पाकिस्तान मीडिया का मैंने कुछ वीडियोज़ देखे जिनमें उन्होंने हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में कई सारे उल्टे सीधे, और इंडियंस को बहुत सारा उल्टा सीधा बोला है उन लोगों ने। उन्होंने कहा कि हमारा पीएम गिरा हुआ है, पर इस वीडियो में तो कुछ और ही दिखता है। तो यहाँ पर मैं पाकिस्तानी मीडिया की तरह किसी भी देश के पीएम को डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, मैं उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया की तरह अगर मैं भी बन गया तो मुझ में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के बारे में तो पूरी दुनिया को मालूम है कि वो कितनी ही टैलेंटेड है। ये उनके वीडियोज कुछ देखिए आप। कि यहाँ पर आप आइए बुजुर्ग, आप आइए। कोई मसला होता है मार्केट में आने में ये इस पत्थरों की वजह से और ट्रैफिक की वजह से? कोई कोई, और हमने जो है ना हत्ती बोर्ड लगाई, हत्ती बोर्ड लगाई, मन मन के हत्ती लगाई, बच्चा था जब खत्म हो चुका। और हमने जो है ना हत्ती बोर्ड लगाई, मन मन के हत्ती लगाई, बच्चा था जब खत्म हो चुका। संदल का शरबत गर्मियों का एक खास तोहफा है जो ना कि जिस्म में ठंडक पैदा कर। एक दफा फिर वो दिखा दूं, आप जरा सामने से भी व्यू देख लें इन साहब का। ये जरा दिखा दीजिए, ये है वो आदमी जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोगों को बेइज्जत करने के लिए आया। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में भाई बहन नहीं? बदतमीजी कर रहे हो? ये जरा दिखाइए इनकी यूनिफॉर्म, दिखा दीजिए इनको। ये देखिए, ये है इनका एटीट्यूड, ये है। ये भी तो मुमकिन है कि आपको बताऊं, बात ये कि इनको चाहिए अल्लाह के बंदों को कि पूरे राज्य की पर्दी पर करके ना ये अपने बड़े अपने ऑफिसों में ले आए, गरीबों की माँ को छोड़ देने, खत्म कर देने, गरीबों को मर देने, बहन के लोगों को भाई। ये जो है ना, ये जो है रोजाना पैसे मांग रहे हैं आगे। बाल आए में पहले से आराम है जी, बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। हेलो, आपका मतलब नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हुआ है, कुछ देर बाद कोशिश करेंगे। प्लीज ट्राई लेटर। इस वक्त गुलसोफी भी स्टूडियो के ऊपर मौजूद है। गुलसोफी बात अंडे वाला बर्गर, मुझे अंडे वाला बर्गर। यार क्या चिचोर बने, तमीज नहीं है आपको? तमीज कमीज तो पहनी हुई है इससे बढ़िया, बस यही कमीज है तुम्हारे पास। अबे गायें आ रही है भागती हुई, बना ले एक एक शॉट मार। कि हम ही ना घुस जाए आगे। दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते नजर आ रहे हैं जी। सो ये वीडियो मैंने पाकिस्तानी मीडिया को ट्रोल करने के लिए नहीं बनाया है। द रीजन आई मेड दिस वीडियो इज टू एक्सप्रेस माई व्यूज बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप, बिकॉज 1971 की वॉर के बाद जब इंडिया ने हमारी वो वॉर जीती, स्टिल वॉर जीतने के बाद भी हमने बिल्कुल भी घमंड नहीं दिखाया। हमने कितनी ग्रेसफुली, जब पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर करा, हमने कितनी ग्रेसफुली उनको ट्रीट कराई, आप उस वीडियो में देखिए।
It was a somewhat theatrical event. General Gandharv Nagra assured the officers that they would be treated with the utmost correctness according to the Geneva Convention. We shall provide all protection and safety. No measures of reprisals would be taken. Free boarding, messing, medical facilities will be provided to you all and all your rank. Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammad Jamshed, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender. I asked the Pakistani Chief of Staff, Brigadier Bagheer Siddiqui, what he'd felt about the ceremony. It's all right. Part of the game, I suppose. It didn't cause you any qualms? Well, you know, we can understand our feelings. But as the general said, this does happen, and so people have to play the game, and I think it's a part of the game. We have to accept it in good grace. Why did you, in the end, surrender? Because for the consideration of the human lives. Could you have fought on? We could have fought on for a long time, not less than time. और 1999 की कारगिल वॉर जिसमें इंडियन आर्मी की फिर से जीत हुई और उन्होंने पाकिस्तानी सोल्जर्स को कितने रिस्पेक्टफुली ट्रीट करा जब वो अपने सोल्जर्स की डेड बॉडी कलेक्ट करने आए थे इस वीडियो में देखिए have a small certificate sure. which is required. That's right, sir. So which I will sign and you will sign. That's right. So that that is no problem. Sabhi sipahi. Salute. Ready up. Look. Buddy, talk. तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि इन दोनों कंट्रीज के बीच इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई ऐसी जानी दुश्मनी नहीं है हमारा मेन इश्यू आतंकवाद से है क्योंकि आतंकवादी हमारे देश को पीछे से हमला करके बर्बाद करने की कोशिश करता है बट हम हमेशा आतंकवाद के खिलाफ हैं हम आपके पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है मैं जितने भी पाकिस्तानी व्यूअर्स उनको बताना चाहूंगा हम आपके पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है हम सिर्फ अपनी इंडिया को आतंकवाद मुक्त बनाना चाहते हैं और मैं आपसे होप करूंगा कि आप भी इसमें हमारा साथ दें क्योंकि आप देखो हमारे इंडिया और पाकिस्तान आर्मी के रिलेशनशिप कितने अच्छे हैं जब लड़ाई नहीं होती वो कितने अच्छे से एक दूसरे को ट्रीट करते हैं कितने ग्रेसफुली एक दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं दिवाली का ये इस वीडियो में देखिए So this is a token from our side on the Republic Day. So best of luck and best wishes. Best of luck.
तो मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों से बोलना चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि फिर से इन दोनों मुल्कों के बीच में रिलेशनशिप फिर से अच्छे हों, फिर से हम एक दूसरे के साथ मिलके खड़े हों, क्योंकि जंग से किसी का फायदा नहीं होगा। आपके देश में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम मानते हैं हमारे देश में भी प्रॉब्लम्स हैं, बट अगर इस लड़ाई के चक्कर में हम एक दूसरे के लड़ते 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 आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो इसमें हमारी गलती होगी। तो मैं आपके देश से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने देशवासियों से बोलें कि वो आतंकवाद के खिलाफ खड़े हों और इंडिया को भी सपोर्ट करें, क्योंकि जैसा हमारे मोदी जी का कहना है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। तो प्लीज अपनी आवाम को आप समझाइए कि प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप फिर से अच्छे स्टार्ट हो और दोनों मुल्कों से आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो जाए और फिर से हमारी आर्मी मिलकर एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करे, जैसे कि इस वीडियो में आप देखेंगे। कल शाम भारतीय सैनिकों ने भारत दिवस मनाया और इसी कार्यक्रम के दौरान दोनों देशों के सैनिकों ने जमकर डांस किया। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इन मीडिया के चक्कर में मत पड़े सोशल मीडिया के, क्योंकि यहाँ पर कई सारी अफवाहें फैलाई जाती हैं। कल मेरे भी पोस्ट पे एक कमेंट आया पाकिस्तानी व्यूवर का, उसने मुझे कुछ कमेंट करा मेरे वीडियो के बारे में और कंट्री के अगेंस्ट करा था, फिर मैंने भी उसको रिप्लाई करा, बट जब हमने एक दूसरे से बात करी, जब उसका रिप्लाई आया, उसने सॉरी बोला, तो मैंने सारी कन्वर्सेशन का एक वीडियो बनाया है जो आप देखिए, क्योंकि उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए, तो ये वीडियो देखिए। जंग तो चंद राज होती है, जंग तो चंद राज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। सैयद भाईजान से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि हमारा मुल्क भी आतंकवाद से परेशान है और कैसे हम दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के जैसे ही हैं, बट हमारी मीडिया एक दूसरे को लड़ाती है। तो इस पे मैं उसको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उसने मुझे बताया कि पाकिस्तान भी इंडिया के अगेंस्ट नहीं है, वहाँ के लोग भी इंडिया से बहुत प्यार करते हैं और यहाँ के लोग भी पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। तो इन दोनों देशों के बीच में फिर से रिलेशनशिप अच्छे से स्टार्ट हो जाए ताकि हम भी पाकिस्तान जाएं, अच्छे से घूमें, पाकिस्तान वाले भी इंडिया आए और हम सब अच्छे से रहें और आतंकवाद के अगेंस्ट हम सब खड़े हो, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट खड़ी है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे दोनों मुल्कों के बीच में रिलेशनशिप फिर से अच्छे स्टार्ट हो। जय हिंद।